आखिरकार फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है यार क्या हम फंडामेंटल एनालिसिस कर अंडर वैल्यूड कंपनी पिक कर सकते हैं तो डेफिनेटली यस बेसिकली गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में और जानने वाले हैं है, है, हाँ, जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और ज्यादा एनहेंस कर देगा तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हैं गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस होता है जो हमारी हेल्प करता है अंडर वैल्यूड कंपनी फाइंड आउट करने में अंडर वैल्यू मीन्स कि गाइस एक ऐसी कंपनी जो अभी हमें एक चीपर प्राइस पर मिल रही है लेकिन आने वाले टाइम में उस कंपनी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा अगर हम ऐसी कंपनी में पांच दस साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपनियां हमें मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है एग्जांपल के लिए एच डी एफ सी ये सारी वो कंपनियां हैं जिन्होंने हमें मल्टी बैगर रिटर्न दिए है अगर गाइज हम रिसेंट की बात करें तो इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं लेकिन टाटा मोटर इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में नब्बे की बाइंग पर टाटा मोटर्स के शेयर पड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस जैसा कि गाइस आप सभी जानते हो मार्च 2020 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस जिसके कारण उन कंपनियों के प्राइस भी काफी नीचे आ गए थे जो कंपनियां फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो गाइज उस टाइम पे मैंने काफी कंपनी में फंडामेंटल एनालिसिस किया था जिन कंपनियों ने मुझे बहुत ही अच्छे रिटर्न मार्केट से प्रोवाइड किए जिसमें से एक कंपनी अभी भी मेरे पास है दैट इज टाटा मोटर्स लेकिन किंतु परंतु अगर आप किसी कंपनी में फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो यू नीड टू होल्ड दैट कंपनी मोर देन ए ईयर कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ऑन द बिहाफ ऑफ फंडामेंटल तो आपको उस कंपनी को एक से लेके पांच साल तक होल्ड करके जरूर रखना है इन ऑर्डर टू वर्न प्रॉफिट फ्रॉम गाइस जब कभी भी हम किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसको दो तरीके से एनालाइज करते हैं। फर्स्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस होता है जिसपे हम कंपनी के विजन पर फोकस करते हैं क्वालिटी पर सेल्स पर वैल्यू पर प्लान्स पर बिजनेस एक्सपेंशन पर इन सभी चीजों को एनालाइज करके देन हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इन्हेंस करते हैं मीन्स अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं अगर तो हमें लग रहा है कंपनी का विजन क्वालिटी एंड सेल्स ग्रो हो रही है तो इसके भी आप पर भी हम कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं गाइस सेकंड क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है गाइस क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि एक ऐसा एनालिसिस जिसमें हम कंपनी के नंबर्स पर फोकस करते हैं लाइक बैलेंस शीट पी एन एल कैश फ्लो रेशियो इन सभी चीज़ों को वन बाय वन एनालाइज करते हैं एंड एनालाइज करने के बाद हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं अगर हमें उस कंपनी की पी एन एल बैलेंस शीट कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं तो हम उस कंपनी में पाँच से दस साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं अगेन गाइस एनालिसिस करने के लिए भी दो तरीके की अप्रोच ली जाती है फर्स्ट टॉप टू डाउन जिसमें हम पहले इकोनॉमी एनालिसिस करते हैं देन इंडस्ट्री एंड देन कंपनी एनालिसिस करते हैं अगर हम इसे रिवर्स कर देंगे तो सेकेंड अप्रोच ली जाएगी जो कि बॉटम टू टॉप अप्रोच के नाम से जानी जाती है अगर वाइज हम इकोनॉमी एनालिसिस की बात करें तो उसमें हम जीडीपी, इन्फ्लेशन बीओपी, इंटरेस्ट रेट रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट मानसून इन सभी चीज़ों को एनालाइज करते हैं देन उसके बाद हम इंडस्ट्री इंडस्ट्री एनालिसिस एनालिसिस करते हैं, गाइस करने से पहले हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी पे फोकस करना पड़ता है अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए मींस कि अगर गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर पर ज्यादा फोकस कर रही है देन वी हैव टू एनालाइज द ऑटोमोबाइल सेक्टर क्योंकि अगर गवर्नमेंट का फोकस इन सेक्टर्स पे होगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट फोकस तभी करेगी जब इन सेक्टर को ग्रो कराना चाहिए अगर हम इन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो पैसा है वो भी ग्रो करेगा देन ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमें ऐसी कंपनियां फाइंड आउट करनी है जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है देन लास्ट में उन पर हमें कंपनी एनालिसिस परफॉर्म करना है गाइज जब भी हम कंपनी एनालिसिस करते हैं तो हमें कंपनी की बैलेंस शीट पी एंड एल कैश फ्लो रेशियोज इन सभी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है लाइक प्रमोटर होल्डिंग मैनेजमेंट एनालिसिस इन सभी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है है देन अगर हमें ये सारी चीज़ें अट्रैक्टिव लग रही है, तो हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होपफुली गाइज आपको फंडामेंटल एनालिसिस समझ आ गया होगा अगर आप किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो आपको किन सभी चीजों पर फोकस करना है लास्ट बट नॉट लीस्ट जैसा कि मैंने आपको वीडियो के इनिशियल लेवल पे बोला था कि हम वीडियो के एंड में एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करेंगे जिस पॉइंट को एनालाइज कर आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इंक्रीज कर सकते हो चलो तो उसी पॉइंट के ऊपर बात करते हैं गाइस बैलेंस शीट के अंदर एक रिजर्व एंड सरप्लस का कॉलम होता है रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट विच हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम द बिजनेस एंड विच आर रिटेन विद द कंपनी कहने का मतलब ये है कि जितना भी प्रॉफिट कंपनी ने कमाया कमाने के बाद उसमें से एक्सपेंसिज हटाकर जो भी कंपनी के पास बचा वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। एक लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ लाइक like हम जॉब करते हैं पैसे अर्न करते हैं अर्न करने के बाद जो भी हमारे एक्सपेंसिस होते हैं उनको कट करने के बाद जो भी हमारे पास अमाउंट बचता है उस अमाउंट को हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं। सेम एज कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से एक्सपेंसेस हटाने के बाद

उस पैरामीटर के पर भी हम उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रख सकते हैं क्योंकि अगर इन फ्यूचर कंपनी का कोई बैड फ्रेस आता है तो कंपनी बैंक फिल नहीं करेगी क्योंकि कंपनी के पास इतना रिजर्व है कि वो अपने आप को उस बैड फ्रेज में भी सरवाइव करा पाएगी रिजर्व एंड सर प्लस के पर भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो अगेन आई एम नॉट दैट यही खाली एक पैरामीटर है जो हमें देखना है काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं एनालाइज करने पड़ते हैं जिसमें से एक अभी हमने डिस्कस किया है अगर इसे आपको और ज्यादा एक्यूरेट करना है तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा शेयर कैपिटल से देन आपका रिजर्व एंड सरप्लस रेशियो और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा तो गाइज रिजर्व एंड सरप्लस को एनालाइज करते हुए आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एनहांस कर सकते हो होपफुली गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा इफ यू सब्सक्राइब द चैनल तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो बिल्कुल फ्री है